हेलो फ्रेंड्स, और आंको किचन में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं ढोकला। वैसे तो ढोकला बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन यदि आप कुछ बेसिक ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपका ढोकला बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो चलिए आज हम बनाते हैं ढोकला। ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन यूज किया है, अदरक और मिर्च का पेस्ट, तेल, नींबू, शक्कर, हल्दी पाउडर, नमक, दही, पानी और सूजी। ये सबको एक एक करके अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों, यदि हमेशा की तरह मेरी रेसिपी आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आपको लगता हो कि आप बोर हो रहे हो या फिर कुछ अच्छा खाने का मूड कर रहा हो तो आप ढोकला बना करके खा सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है। आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट या फिर शाम के स्नैक्स के रूप में आप इसे ले सकते हो। एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। इतने अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। यदि आपको लगता है कि ठीक है तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग पानी यूज कर सकते हो। यहाँ सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और ढोकला का बैटर रेडी हो चुका है। बट हमें इसे 5 मिनट के लिए और अच्छे से फेंटना है ताकि थोड़ी सॉफ्टनेस आए। यहाँ मैंने 5 मिनट तक फेंटा है। लास्ट में मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया है। यहाँ पे मैंने तेल इसलिए यूज किया है ताकि ढोकला में थोड़ा चिकनापन बना रहे। बैटर रेडी होने के बाद इसे आधे घंटे तक फूलने के लिए रखना है। इसके बाद इसमें इनो और थोड़ा सा सोडा पाउडर डालना है ताकि जब ढोकला बनकर रेडी हो तो ये स्पंजीनेस आए उसमें, इसलिए हम यहाँ पे इनो यूज करते हैं। यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है और उसे तेल से ग्रीस कर लिया है ताकि जब ढोकला बनकर निकले तो वो नीचे चिपके नहीं। अगर आप तेल से ग्रीस नहीं करोगे तो ढोकला चिपक जाएगा। तेल से ग्रीस करने के बाद जो मैंने बैटर रेडी करी थी उसको इसमें ऐड करना है और इसे पकाना है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में पानी लिया है, उसके बाद उसके ऊपर एक पॉट रख लिया है, फिर उसके ऊपर जो मैंने ढोकला का बैटर रेडी किया था वो, और इसे ढककर आधे घंटे के लिए पकाना है। तक ये ढोकला बनकर रेडी हो रहा है तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पे मिर्च लिया है, उसे 2 भागों में काट लिया है, करी पत्ता, धनिया पत्ता, सरसों, नमक, हींग, शक्कर और पानी लिया है। ढोकला देखते हैं मेरा रेडी हुआ है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि ढोकला रेडी हुआ है या नहीं हुआ है तो आप नाइफ के मदद से इसे चेक कर सकते हैं। आप नाइफ को उसमें प्रिक करके देखेंगे, यदि नाइफ में लग जाता है बेसन तो इसका मतलब ये है कि हमारा ढोकला रेडी नहीं हुआ है, और यदि नाइफ में नहीं चिपक रहा है मतलब है कि ढोकला हमारा रेडी हो चुका है। में तड़का लगाने के लिए मैंने गर्म कढ़ाई में तेल रखा था, उसके बाद मैंने सारे इंग्रेडिएंट को एक एक करके इसमें डाला है। अगर आपको ढोकला थोड़ा सा जूसी खाना पसंद है तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी बिल्कुल ऑप्शनल है, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आपको ढोकला खाना कैसा पसंद है। यहाँ पर मैंने ढोकला को अच्छे से इस तरीके से काट लिया है। बिल्कुल देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा ढोकला कितना स्पंजी बना है। बिल्कुल आप इसी तरीके से बनाएं। यहाँ पे सारा इंग्रेडिएंट अच्छे से भुन चुका है, अब मैं एक एक करके इसमें डालूँगी चम्मच से। ये बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड करना है ताकि हर एक ढोकले के पार्ट तक ये चला जाए। और इसके बाद लास्ट में मैं धनिया पत्ता यूज करी हूँ। धनिया पत्ता हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये खाने में तो टेस्ट इन्हेंस करता ही है और देखने में भी काफ़ी अच्छा दिखता है, तो इसलिए यहाँ पे धनिया पत्ता यूज किया है मैंने। ये ढोकला कंप्लीट रेडी हो चुका है। दोस्तों, एक बार आप अपने एंड पे ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आता हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।